मोदी सरकार दूसरी बार प्रचंड मतों से जीत कर आई है, तो आप किस तरह से उसको एक्ट करते हैं, किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया है? ऐसा है, मोदी सरकार के जीतने के पीछे मेरे जो वजह लगती है और कांग्रेस को हारने के पीछे जो वजह लगती है, और लोगों ने अपना अपना अभिप्राय अलग दिया, लेकिन मेरा अभिप्राय है कि राष्ट्रवाद के पीछे जीती है, क्योंकि मोदी जी प्रखर राष्ट्रवादी हैं और देशभक्ति उनके रोम रोम में समाई हुई है, और उसी राष्ट्रवाद को पूरे हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री जो होवे वो पक्का राष्ट्रवादी होवे, और राष्ट्रवादी ही राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, और हम सब राष्ट्र को बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ की जनता राष्ट्र को प्रेम करती है, और कांग्रेस ने ये भूल की कि जो राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो अवसरवादियों को करते हैं, जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके बाजू में जाके राहुल गांधी खड़े रहे, और उसी का नतीजा ये सारी राहुल गांधी की ही करतूत है, उसके कारण वो पूरी कांग्रेस पार्टी भुगत चुके हैं और इसी के कारण ले चुके हैं, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत खाली नीतियों के भरोसे नहीं आता है, पर भावनाओं में जब बह जाते हैं तब आता है, और राष्ट्रवाद ने ही बीजेपी को चलाया, राष्ट्रवाद का विरोध करने से ही कांग्रेस की नैया डूबी है। सबका साथ सबका विकास और अभी सबका विश्वास, पूरे उन्होंने किसी के साथ मतभेद नहीं किया है, जो विकास कार्य हुए हैं उसमें हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गए, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है, ये रियल में इसकी जीत है सबसे बड़ी। और ये गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं मैं देखता हूँ, उसमें 70 या 75% काम खाली गरीबों के लिए किए हैं, उनकी ये भावना है कि गरीब को ऊंचा लाए तभी देश ऊंचे आता है, कांग्रेस ने खाली खोखे नारे देते रहे, पूरे नारे देते रहे गरीबों के लिए, पर किया कुछ नहीं, और मोदी जी ने करके दिखाया। तीसरा, मोदी जी ने इंडस्ट्रियलिस्टों को पैसे वालों की हाजूरी नहीं की है, ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने उद्योगों को बढ़ाया है और उद्योगों को प्रोत्साहित किया, अभी भी ऐसा लगता है कि देश सुपर पावर बनेगा, ऐसा सारी व्यापारी वर्ग ने, आपने देखा होगा कि 80% व्यापारियों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, इस आशा के साथ कि हमारा देश विकास में आगे बढ़ते बढ़ते एक महाशक्ति बनेगा, और वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, इन सब कारणों से मोदी जी को वोट मिले हैं। हिंदुत्व की भावना तो इस देश को जोड़ के रखती है, पर भावनाओं के भरोसे देश नहीं चलता है, और ये सारी बातों का निचोड़ सारा मोदी जी की तरफ आया, इसके इतना प्रचंड बहुमत मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। ये थे रसिक जी कोठारी, जैसे कि आपने सुना उन्होंने अपनी जो है प्रबल एक अभिव्यक्ति दी है कि किस तरह से जो है मोदी दूसरी बार जो प्रचंड बहुमतों से जीत करके आए, और ये देश क्या चाहता है, और मोदी इस बात को आत्मसात करके कि देश क्या चाहता है, देश के अनुरूप ही मोदी चल रहे हैं, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद के साथ में उन्होंने यही कहा कि ये बड़ा प्रचंड जीत है, और आने वाले समय में हम ये सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की बात पर खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब छोटे समय से बात करने के लिए। धन्यवाद ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख।